चलिए हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, तो गणित विषय में हम लोग पिछली क्लास में गणित का आधार पढ़ा था, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ा था। उसमें मैंने क्या सिखाया था आपको, उसमें मैंने आपको पहाड़े के बारे में सिखाया था कि पहाड़ा कैसे आता है। ठीक है, चलिए पहाड़े पे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों को अपना सवाल कैसे पूछना है या मैं आपसे कैसे सवाल पूछूंगा। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि सभी बच्चों के स्क्रीन पे ये पहला, जिसे मैं यहाँ पे पहला मार्क कर रहा हूँ, ये स्क्रीन दिख रहा होगा सभी बच्चों को। तो अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछनी होगी, कोई भी डाउट पूछना होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉर्नर में तीन बिंदुएं दिख रही होगी, इस तीन बिंदु पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस तीन बिंदु पे क्लिक कीजिएगा, आपको ये दो नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। जैसे आपको ये दो नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी, आपको वहां पे इन कॉल मैसेज का ऑप्शन दिखेगा। क्या दिखेगा आपको, इन कॉल मैसेज का ऑप्शन दिखेगा। तो आपको यहाँ पे जाकर अपना डाउट पूछना है। चलिए तो एक बार फिर से सही बच्चे करेंगे, इन कॉल मैसेज में जाकर बताएंगे 2 + 6 कितना होता है। जल्दी बताएंगे सर बच्चे, एक बार जाकर चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स बोलो, कमेंट सेक्शन बोलो या इन कॉल मैसेज बोलो, सारी चीजें एक ही है। कितना होता है जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में जाकर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना होता है, 8 होता है। तो ये रही बात कि अगर आपको कोई भी डाउट पूछना होगा या कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा, तो आप इस प्रकार से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब रही बात कि अगर मुझे आपसे कोई क्वेश्चन पूछने होंगे तो मैं कैसे पूछूंगा, तो अधिकतर बच्चों को पता है कैसे पूछूंगा, पोल सेक्शन के माध्यम से पूछूंगा। तो पोल सेक्शन कैसे आएगा, जैसे कि ये हो गया आपका पहला नंबर वाली स्क्रीन, कॉर्नर में तीन बिंदु दिख रही होगी, इस तीन बिंदु पर जैसे क्लिक करेंगे आपको दो नंबर वाली स्क्रीन दिखेगी। इस दो नंबर वाली स्क्रीन पे नीचे देखिए आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपको तीन नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। इस तीन नंबर वाली स्क्रीन में क्या है, आपको यहाँ पे पोल सेक्शन का ऑप्शन दिखेगा। जब आपको पोल सेक्शन का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, तो आपको क्वेश्चन दिखेंगे, उस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 32 है, इसका आंसर अगर सी है, तो मैं सी पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं वोट दे दूंगा। इस प्रकार से मेरे द्वारा क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर करनी है। उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। अगर सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है, तो एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है, तो एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक और बात आपको बतानी थी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। कौन सी बात है, कि बहुत बच्चे भूल जाते हैं कि उनकी कक्षाएं कब कब चलती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आपकी कक्षा की जो टाइमिंग है वो है शाम 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। कौन कौन से दिन है, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। तो याद रखिए आपकी क्लास की टाइमिंग क्या है, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, आपको भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को ये याद होगी। चलिए अब हम लोग क्या सीखते हैं, सीखने वाले हैं जो हम लोग पिछली कक्षा में सीख रहे थे। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने 2 का टेबल सीख लिया था, और ये पता कर लिया था कि किस प्रकार से हम लोग किसी भी पहाड़े को हम लोग लाते हैं। ठीक उसी प्रकार हम आज सीखने वाले हैं 5 का टेबल, 5 का, और इसका हम लोग आधार तो किस प्रकार से, मतलब कि 5 का टेबल किस आता है। उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को यह आसान में आ जाएगा। ठीक है, चलिए था कि अगर हमें किसी का भी पहाड़ा याद रखना है, तो हमें पता होता है, मान लीजिए अगर हमें 5 + 5 बोला है, क्या बोला है, 5 + 5, इसका मतलब ये होता है कि 5 को अगर हम लोग एक बार जोड़ते हैं, तो हमें 5 प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार 5 × 10, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 5 × 10, मतलब 5 को अगर हम 2 बार जोड़ेंगे, हमें 10 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार 5 × 15, मतलब कि 5 को 3 बार जोड़ेंगे, तो हमें
15 प्राप्त होगा। क्या क्या प्राप्त होगा हमें? 15 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार सभी बच्चों को आइडिया लग गया होगा, समझ में आ गया होगा कैसे होगा, 5 चौके 20, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 5 को अगर हम 4 बार जोड़ेंगे तो हमें 20 प्राप्त होगा। चलिए अब सारे बच्चे 4 पक्ष बताएंगे जल्दी जल्दी कि 5 5 25, इसका मतलब 5 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे 4 पक्ष में 5 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा? सही बच्चे बताएंगे 50 25, मतलब कि 5 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे 4 पक्ष में 5 बार। अगर 5 को अगर हम लोग 5 बार जोड़ते हैं तो हमें 25 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार 5 6 30, यानी 5 को अगर हम 6 टाइम्स 6 बार जोड़ते हैं तो हमें 30 प्राप्त होगी। चलिए एक और प्रश्न चलिए बताएंगे सर बच्चे की 5 नंबर कितना होता है? 5 नंबर होता है 45। इसका मतलब 5 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे इसका मतलब 5 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितना बार जोड़ना पड़ेगा? 5 को हमें 9 बार जोड़ना पड़ेगा। 5 को हमें 9 बार जोड़ना पड़ेगा तो हमें कितना प्राप्त होगा? 45 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार 5 दहिया 10 50, 5 × 10 50, 5 10 50। इसका मतलब ये हुआ कि 5 को अगर हम लोग 10 बार जोड़ते हैं, 5 को अगर हम लोग 10 बार जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे अगर 5 को अगर हम 10 बार जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा? 4 पक्ष बताएंगे सर बच्चे कितना प्राप्त होगा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितना प्राप्त होगा? 50 प्राप्त होगा। चलिए एक और सवाल सभी बच्चों से यहीं पे, अगर 5 को 12 बार गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 60। इसका कहने का मतलब क्या है कि 5 को हम लोग कितना बार जोड़ना पड़ेगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे 5 × 12 60 के बराबर होता है, मतलब कि 5 × 12, 5 × 12 कितना होता है? 60। इसका मतलब क्या हुआ? 5 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा हमें बताइए सर बच्चे? 5 बढ़ाया कितना होता है? 60 होता है। तो 5 को हमें कितना बार जोड़ना पड़ेगा कि हमें 60 प्राप्त होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे 4 वक्त में। तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 5 को हमें 12 बार जोड़ना पड़ेगा तो हमें 60 प्राप्त होगा। 5 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा? तो 5 को 12 बार जब जोड़ेंगे तो हमें 60 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार चलिए एक प्रश्न और, 5 × 20 100 के बराबर होता है, तो यहां से क्या निकल के आता है कि 5 को हमें कितना बार जोड़ना पड़ेगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे 4 पक्ष में। यहां से एक प्रश्न आता है 5 × 20 100 के बराबर होता है, इसका मतलब 5 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे 20 बार जोड़ना पड़ेगा। कितना बार जोड़ना पड़ेगा? 20 बार जोड़ना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो जल्दी से सभी के सही बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी जल्दी सर बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसका मतलब हमें 5 का पहरा याद हो गया और हमें ये भी समझ में आ गया है कि किसी भी टेबल, किसी भी संख्या का पहरा, किसी भी संख्या का टेबल किस प्रकार से लिखी जाती है। किसी भी संख्या का पहरा, किसी भी संख्या का टेबल किस प्रकार से लिखी जाती है, ये हमें समझ में आ गया है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो हम लोग इसके पीछे जो कंसेप्ट है उसको सीख लेते हैं। वो कौन सा कंसेप्ट है? वो कंसेप्ट है आपका कि एक ही संख्या को, कौन सा कंसेप्ट है, एक ही संख्या को जब बार बार जोड़ा जाता है तो उस प्रक्रिया को गुणन की प्रक्रिया कहते हैं। फिर मैं एक बार रिपीट करता हूं कि जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग गुणन की प्रक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार अगर हम बोले कि 3 × 5 है, इसका मतलब 3 को हमें कितना बार जोड़ना पड़ेगा? जल्दी जल्दी सर बच्चे बताएंगे इसका मतलब 3 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा हमें? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 3 को हमें, चलिए मान लीजिए 3 × 5 कितना होगा? 15 होगा।
इसका मतलब हमें थ्री को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, आपको चैट बॉक्स में बताने। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसका मतलब थ्री को हमें पांच बार जोड़ना पड़ेगा तो हमें 15 प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ठीक उसी प्रकार एक बार सही बच्चे बताएंगे, अगर मान लेते हैं हम लोग 7 × 5 कितना होता है 35, इसका मतलब 7 को अगर हम कितना बार जोड़े कि हमें 35 मिल जाएगा, 7 को हमें कितना बार जोड़ना पड़ेगा कि हमें 35 मिलेगा, हमें 35 मिलेगा 5 बार। तो यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम लोग एक ही संख्या, देखिए एक ही संख्या क्या है 7 7 7 7 को अगर हम लोग बार बार जोड़ते हैं, इससे अच्छा हम क्या करते हैं जितनी बार जोड़ना है उतना से हम लोग को गुना कर देना है। जैसे कि देखिए इसको हम 5 बार जोड़ते हैं, इसको 5 बार हम जोड़ते हैं, इससे अच्छा क्या करते हैं हम लोग 5 से गुना कर देते हैं, है ना। यही प्रक्रिया को हम लोग गुणन की प्रक्रिया कहते हैं। यानी एक ही संख्या को जब बार बार जोड़ा जाता है तो उस प्रक्रिया को गुणन की प्रक्रिया कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को यह प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आप जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल कंसेप्ट है। जब हम एक ही संख्या को, जैसे कि मान लीजिए एक ही संख्या क्या है 5 5 5 कितना बार जोड़े 3 बार, कितना बार जोड़े हम लोग 3 बार, उससे अच्छा हम क्या किए 3 से गुना कर दिए, है ना। ठीक उसी प्रकार देख सकते हैं आप यहाँ पे हम एक ही संख्या क्या है 7 1 2 3 4 5 6 6 बार क्या किए हम उसको 6 बार जोड़े, 6 बार जोड़ने से अच्छा क्या करेंगे हम 6 से गुना कर देंगे। तो यही बात मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को गुणन की प्रक्रिया कहते हैं। आगे समझ में सारे बच्चों को, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना आपको। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग सीखने वाले हैं 1 से लेकर 5 तक का पहरा, जिसमें कि हम लोगों ने 1 का पहरा सीख लिया है, 2 का पहरा सीख लिया है और 5 का पहरा सीख लिया है। और हम लोगों ने इसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो भी सीख लिया है कि जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो हमें उस प्रक्रिया को उस प्रोसेस को गुणन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक उसी प्रकार आप यहाँ पे बोल सकते हैं 3 × 1, इसका मतलब 3 को एक बार जोड़ा गया होगा तो क्या मिला गया हमें 3 × 1 3 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 3 × 2, इसका मतलब 3 को कितना बार जोड़ा गया होगा 2 बार जोड़ा गया होगा तो क्या मिलेगा हमें 6 मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार 3 × 3, इसका मतलब क्या हुआ 3 को हमें 3 बार जोड़ना पड़ेगा, 3 बार जोड़े होंगे तो हमें 9 मिलेगा। चलिए जल्दी से बताएंगे सर बच्चे 3 × 4 कितना होता है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे 3 × 4 कितना होता है 3 × 4 होता है 12। और इसका मतलब ये हुआ कि 3 को अगर हम लोग 4 बार जोड़े होंगे तो हमें 12 प्राप्त होगा, तो ये क्या 12। ठीक उसी प्रकार 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27, 3 × 10 = 30। ठीक है उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर सभी बच्चों को ये 3 का पहरा अच्छे से समझ में आ गया तो एक बार चैट बॉक्स में वाई करेंगे। अगर सभी बच्चों को ये 3 का पहरा अच्छे से समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई करेंगे। पहरा हमको पता है कि आप सभी को पहरा याद होगा, लेकिन हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं इसके पीछे क्या कंसेप्ट आता है, क्योंकि यही सारे कंसेप्ट हम लोग आगे उपयोग करने वाले हैं। कंसेप्ट क्या है कि जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो उसे हम लोग गुणन की प्रक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे होगा 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 =, जल्दी बताएंगे सर बच्चे चार बच्चे बताइए 4 × 5 = कितना होगा, जल्दी जल्दी सर बच्चे बताएंगे 4 × 5 = कितना होगा, चार बच्चे बताएंगे सर बच्चे 20। चलिए
4 5 20, इसका कहने का मतलब क्या है? 4 5 20, इसका कहने का मतलब है कि अगर हम लोग 4 को 5 बार जोड़े होंगे, 4 को अगर हम लोग 5 बार जोड़े होंगे तो हमें 20 प्राप्त हुआ होगा। ठीक उसी प्रकार 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। ठीक है, 4 10 जा 40, 4 9 जा 36, 4 8 जा 32। अगर सारे बच्चों को 1 से लेकर 5 तक का सारे के सारा पहाड़ा का कंसेप्ट समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में एस टाइप करेंगे, जल्दी करके सर बच्चे। अगर सारे बच्चों को यहाँ तक के सारे कंसेप्ट समझ में आ गए हैं 1 से लेकर 5 तक का, तो जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में एस टाइप करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में एस टाइप करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक उसी प्रकार हम लोग कुछ क्विज सॉल्व कर लेते हैं ताकि मुझे पता चल सके कि आपको 1 से लेकर 5 तक का पहाड़ा आसानी से याद हो गए हैं या आपको याद है। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में पूछ रखा था कि कितने बच्चों को 5-10 तक का टेबल याद है, तो अधिकतर बच्चों ने बोला था कि उनको अधिकतर टेबल जो है याद है। कोई बात नहीं, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग सीखते हैं एक दो क्विज के माध्यम से। चलिए तो सबसे पहले सभी के सभी बच्चे जल्दी से जल्दी बताएंगे। पहला क्वेश्चन, 3 × 6, 3 6 जा कितना होता है? पहला ऑप्शन है 18, दूसरा ऑप्शन है 21, तीसरा ऑप्शन है 28, चौथा ऑप्शन है 15। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 3 6 जा क्या होता है? 3 × 6 क्या होता है? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत कुछ आंसर दे रहे हैं। 18, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3 6 जा कितना होता है? 18। 3 6 जा कहने का मतलब है कि जब 3 को हम लोग 6 बार जोड़े होंगे तो हमें क्या प्राप्त हुआ होगा? 18 प्राप्त हुआ होगा। ठीक उसी प्रकार जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 4 8 जा कितना होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 4 8 जा कितना होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना होगा? 32। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक उसी प्रकार से बच्चे बताएंगे, 2 7 जा कितना होगा? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, 21 14 16 और 12। जल्दी बताएंगे 2 7 जा कितना होगा? बहुत बढ़िया, बताइए। देखिए 2 7 का मतलब हुआ है कि 2 को हम लोगों को कितना बार जोड़ना पड़ेगा? तो 2 को हम लोगों को 7 बार जोड़ना पड़ेगा, क्या मिलेगा? 14 मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक उसी प्रकार बताइए, 4 4 जा कितना होगा? 4 × 4 हमें क्या प्राप्त होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 16 16 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी में हमारा क्या है? 16। अब अगला प्रश्न का उत्तर जो है, किसी बच्चा को संख्या नहीं देना है, ऑप्शन बताने हैं। ठीक है, क्या है? 5 × 9, 5 9 जा कितना प्राप्त होगा? आपके पास ऑप्शन ए दिया गया है 35, ऑप्शन बी दिया गया है 40, ऑप्शन सी दिया गया है 45, ऑप्शन डी दिया गया है 50। आपको ऑप्शन में बताना है ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि जब मैं आपको पोल सेक्शन में क्वेश्चन दूंगा तो वहां पे तो ऑप्शन रहेंगे, तो ऑप्शन को ही पहचानना जरूरी है। तो 5 9 जा होता है 45, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में एस टाइप कीजिए, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में एस टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है तो एक बार चैट बॉक्स में वाई भी टाइप कर दीजिए। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब मेरे तरफ से एक क्वेश्चन आपके आपसे पूछा जा रहा है, तो उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे उस प्रश्न का उत्तर आसानी से सरलतापूर्वक दे पाएंगे। चलिए वह प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया हुआ था, और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ देना है? पोल सेक्शन में जाकर देनी है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है 1 × 1278, 1 × 1278 हमें क्या प्राप्त होगा?
तो मैं चलिए एक हिंट देता हूं आपको। मैंने आपको पिछली कक्षा में भी हिंट दिया था क्या, कि एक के साथ जिस संख्या से गुना करते हैं, एक के साथ जिस संख्या से गुना करते हैं हमें वही संख्या प्राप्त होता है। इसमें मैंने क्या बताया था कि एक के साथ जिस संख्या से गुना करते हैं हमें वही संख्या प्राप्त होती है, यानी अगर हम एक के साथ गुना करेंगे तो हमें ए ही प्राप्त होगी। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर करने के लिए। तो जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को उत्तर कीजिए, आपके पास मात्र 50 सेकंड का वक्त है। जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को उत्तर दीजिए। कहाँ देना है इस प्रश्न को उत्तर? आपको पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न को उत्तर देना है। जो बच्चे लेट से ज्वाइन कर रहे हैं कोशिश किया कीजिए कि आप क्लास जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर पाए ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट ना छूटे, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया बोलते हैं। लास्ट 20 सेकेंड सभी के सभी बच्चों को कॉपी किताब लेकर बैठना अनिवार्य है। पंकज नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है कृपया करके कॉपी किताब लेकर बैठे। जतिन जांगड़ा नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है कृपया करके कॉपी किताब लेकर बैठे बाबू। बहुत बढ़िया बोलते हैं। चलिए लास्ट 10 सेकेंड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया है अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। लास्ट 5 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। 5 4 3। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। 3 2 1। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। तो इसका कंसेप्ट क्या होता है कि 1 में जिस संख्या से हम लोग गुना करते हैं हमें वही संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 1 में 1278 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें 1278 ही प्राप्त होगा। हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें 1278 ही प्राप्त होगा। मैंने क्या कंसेप्ट बताया था? मैंने कंसेप्ट बताया था कि 1 में जिस संख्या से गुना करते हैं हमें वही संख्या प्राप्त होता है। तो किस संख्या से गुना कर रहे हैं हम लोग? 1278 से गुना कर रहे हैं तो हमें क्या संख्या प्राप्त होगा? तो हमें 1278 ही प्राप्त होगा। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसको एक कंसेप्ट द्वारा और समझा देते हैं। देखिए मान लीजिए कि 1 में अगर हम लोग जहाज 1 में अगर हम जहाज से गुना करेंगे तो हमें जहाज ही प्राप्त होगा। जहाज कहने का मतलब समझाने की मैं कोशिश करना चाहता हूं कि हम 1 में जिस संख्या से गुना करते हैं हमें वही चीज प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए 1 में अगर हम लोग किताब से गुना करेंगे तो हमें किताब ही प्राप्त होगा, है ना? यानी 1 में हम जिस संख्या से गुना करेंगे जिससे भी गुना करेंगे हमें वही इस चीज प्राप्त होगा, ठीक है? चलिए तो इससे मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूँ कब से फिर से। वह प्रश्न है कि अगर 1 में 2005 से गुना करूं तो क्या प्राप्त होगा? जल्दी बताइए सर बच्चे। 1 में 2005 से गुना करूं तो हमें क्या प्राप्त होगा? चैट बॉक्स में बताना आपको। 2005 ही प्राप्त होगा। जिस संख्या से गुना करते हैं हमें वही संख्या प्राप्त होगा, ये मैं बताना चाहता हूं। चलिए बहुत बढ़िया बहुत। अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही था, ठीक है? चलिए ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे, ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे। उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का भी उत्तर आप सभी आसानी से पोल सेक्शन में जाकर दे सकेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वो होती है जो 2 के पहाड़े में आती है। सम संख्या वो होती है जो 2 के पहाड़े में आती है, ठीक है? तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? 2 को किसी भी संख्या से गुना करने पे हमेशा डैश खाली स्थान संख्या आती है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला 0, दूसरा वही संख्या, तीसरा सम संख्या, चौथा विषम संख्या, ठीक है?
जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना आपको? पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन के पीछे क्या हिंट है मैं एक बार आपको हिंट देता हूँ। हिंट क्या है कि दो के पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती है। या दूसरा तरीका से क्या बोल सकते हैं कि कोई भी संख्या अगर दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो उस संख्या को हम लोग सम संख्या कहते हैं। आपके पास मात्र 50 सेकेंड का वक्त है, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहाँ देना आपको इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। जल्दी कीजिए सर बच्चे, आपको इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है? इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। लास्ट 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में सही कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, जो बच्चे पोल सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर नहीं कर पा रहे हैं चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। लास्ट 5 सेकेंड, चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, पंकज नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है कृपया करके अपना माइक म्यूट रखेंगे हमेशा। अगर आपका माइक ऑन होता है तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल सकता हूँ। ठीक है, कोशिश किया कीजिए कि अपना माइक जो है बंद रखा कीजिए। अगर कुछ भी डाउट होता है चैट बॉक्स में अपना डाउट पूछ लिया कीजिए। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, दो को किसी भी संख्या से गुणा करने पे हमेशा खाली स्थान आती है। तो चलिए इसको समझा देता हूँ आपको। पहले मैं समझाता हूँ आपको सम संख्या के बारे में। सम संख्या वो होती है जो दो के पहाड़े में आती है। कहने का मतलब क्या है? जो ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे कहते हैं सम संख्या। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, दो का पहाड़ा मतलब क्या होता है? दो के साथ गुना, जैसे 2 = 1, 2। यानी दो के पहाड़ा में आ रहा है 2 × 2 = 4, दो के पहाड़ा में आ रहा है 2 × 3 = 6, मतलब दो के पहाड़ा में आ रहा है। तो यही बोल रहा है कि दो को किसी संख्या, देखिए 2 को 1 से गुना किया तो क्या मिला? 2 मिला। 2 को 2 से गुना किया तो क्या मिला? 4 मिला। 2 को 3 से गुना किया तो क्या मिला? 6 मिला। यानी 2 से किसी भी संख्या में गुना कीजिएगा, जैसे मान लीजिए 10 से करें क्या मिलेगा? 20 मिलेगा। तो 20 हमारा क्या है? 20 हमारा सम संख्या है। यानी 2 के पहाड़ा में कोई भी संख्या आती है वो सारी की सारी संख्या क्या कहलाती है? जल्दी से सर्वोच्च चार बस बताएंगे। 2 के पहाड़े में कोई भी संख्या आती है वो संख्या क्या कहलाती है? जल्दी बताएंगे सर्वोच्च, वो संख्या सम संख्या कहलाती है, इवन नंबर कहलाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। क्यों? क्योंकि हमें बोला गया है कि 2 को किसी भी संख्या से गुना कर रहे हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी। तो 2 के पहाड़ा में जो भी संख्या आएगा वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? सम संख्या कहलाएंगे। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी जो है वो मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाइट अप कीजिए। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे, कर लिया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये था आपका 5 तक का टेबल। और पिछली क्लास में एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर अगर हम लोग किसी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो चलिए सीख लेते हैं, हम लोग 0 का ही पहाड़ा सीख लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो 0 × 1 इसका मतलब 0 को हमें 1 बार जोड़ना है तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक उसी प्रकार 0 × 2 इसका मतलब 0 को 2 बार जोड़ना है तो 0 + 0 क्या मिलेगा? 0। ठीक उसी प्रकार 0 × 3 इसका मतलब क्या हुआ? 0 को 3 बार जोड़ना है तो 0 + 0 + 0 कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक उसी प्रकार 0 × 4 इसका मतलब क्या हुआ? 0 को हमें
चार बार जोड़ना है तो क्या मिलेगा हमें? जीरो मिलेगा। तो जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे, जीरो गुने नाइन यानी जीरो को कितना बार जोड़ना पड़ेगा? तो जीरो को 9 बार जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे, चार बॉक्स में क्या प्राप्त होगा? जीरो को क्या प्राप्त होगा? जीरो प्राप्त होगा। तो यहां से एक कंसेप्ट आता है, वो कौन सा कंसेप्ट है कि जीरो में अगर हम लोग किसी भी संख्या से गुणा करें, जैसे कि जीरो गुने 20, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जीरो को 20 बार जोड़ना है। तो जीरो कितना बार भी जोड़िए आपको क्या मिलने वाला है? तो आपको लास्ट में जीरो ही मिलने वाला है। यानी यहाँ से कंसेप्ट निकल कर आया, वो कौन सा कंसेप्ट है कि जीरो को अगर हम लोग कितना बार भी जोड़ ले हमें जीरो ही प्राप्त होने वाला है, या जीरो से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो हमें जीरो ही मिलता है। ठीक है, तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में इस टाइप कीजिए। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में एस टाइप कीजिए। एस टाइप करना सही बच्चों को, स्क्रीनशॉट इसलिए लेना है ताकि आप इसका नोट्स बना सके। स्क्रीनशॉट इसलिए लेना है ताकि आप इसका नोट्स बना सके। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चल, तो अभी हम आपको, मैंने क्या कंसेप्ट सिखाया? मैंने आपको अभी एक कंसेप्ट सिखाया कि जीरो में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो हमें जीरो प्राप्त होता है। जैसे कि मान लीजिए जीरो गुने 1000, 10001, क्या प्राप्त होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे, चैट बॉक्स में। जीरो में 10001 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे, जीरो प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया, यानी जीरो में किसी भी संख्या, दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर से बड़ा संख्या से अगर हम गुना करते हैं तो हमें जीरो ही मिलता है, हमें जीरो ही मिलता है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं आपको बोल दूं, जीरो गुने जहाज हमें क्या मिलने वाला है? बच्चे बताइए सर, सभी बच्चे बताएंगे क्या मिलने वाला हमें? चैट बॉक्स में बताएंगे सर बच्चे क्या मिलने वाला हमें? अब कोई बच्चे मत बोल देना कि जहाज मिल जाएगा, जहाज नहीं मिलेगा हमें। क्या मिलेगा हमें? जीरो ही मिलेगा। कहने का मतलब जहाज मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि आपको बड़ा नंबर से समझ में आए कि जीरो में कितना भी बड़ा नंबर से अगर हम लोग गुना कर दें, जीरो में कितना भी बड़ा नंबर से हम लोग गुना कर दें तो हमें क्या मिलने वाला है? हमें जीरो ही मिलने वाला है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया? जीरो में किसी भी नंबर से गुना कर दीजिए आपको जीरो ही मिलने वाला है। देखिए हम लोग इतना बड़ा नंबर से गुना किए तो हमें क्या मिला? जीरो ही मिला। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, जल्दी से करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी करेंगे सर बच्चे, समझ में आ गया आपको? बहुत बढ़िया बोलो। चलिए अब हम लोग इससे संबंधित कुछ अभ्यास कर लेते हैं, कुछ क्विज कर लेते हैं, और क्विज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए जल्दी बताइए सर बच्चे, 0 × 6 हमें क्या मिलने वाला है? जल्दी जल्दी बताएंगे सर बच्चे क्या मिलने वाला है हमें? चार ऑप्शन आपके पास, 6, 5, 7, 0, क्या मिलने वाला है? 6 मिलने वाला है। अभी तो मैंने आपको बताया जीरो में किसी भी संख्या से गुना कीजिए क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। कौन सा तू सही है? ऑप्शन डी सही है ना? चलिए ठीक, उसी पर बताइए क्वेश्चन नंबर टू, जीरो में किसे गुना किया गया है? 18 से हमें क्या मिलने वाला है? जल्दी बताएंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन बताना है, ऑप्शन इसलिए मैं बोल रहा हूं ताकि मैं जब पोल सेक्शन में क्वेश्चन कराता हूं तो वहां पे ऑप्शन फिल करना रहता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जब जीरो में हम लोग 18 से गुना करते हैं तो क्या मिलता है? जीरो मिलता है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए जो है सही है, तो ए बोलना है आपको। ठीक है, चलिए उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन, 700 × 0 किसी भी संख्या में जीरो से गुना करेंगे क्या मिलेगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे, ऑप्शन है आपके पास 700, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है 7000, सी ऑप्शन है 70, डी ऑप्शन है 0। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। किसी भी संख्या में, अभी मैंने आपको बताया किससे गुना करना है आपको, जीरो से गुना करना है, तो जीरो से किसी भी संख्या में गुना कीजिएगा आपको क्या मिलेगा? जीरो प्राप्त होने वाला है। तो
अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और 4 मार्क्स में आइटम करेंगे। और ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और 4 मार्क्स में आइटम करेंगे। आगे समझ में? चलिए अब हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में सीखते हैं। कौन सा है वो? जीरो से संबंधित। चलिए, बूझो तो जाने, क्या आप जानते हैं शून्य की खोज किसने की थी? अगर आप जानते हैं तो 4 मार्क्स बताइए सर बच्चे। शून्य की खोज किसने की थी जल्दी बताएंगे सर बच्चे, जल्दी बताएंगे 4 मार्क्स में कि शून्य की खोज किसने की थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज किया था, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए एक और इंटरेस्टिंग यहाँ पे सवाल मैं आपको पूछने जाता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आसान सवाल है। कोशिश करते हैं कि सारे बच्चों को वो सवाल सही होना चाहिए, ठीक है। सवाल क्या है देखिए आपके स्क्रीन पे, सवाल है मोबाइल में उपस्थित सारे अंकों को एक साथ गुणा करके क्या संख्या आएगी। देखिए मोबाइल में उपस्थित कौन कौन सा संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। मोबाइल में उपस्थित कौन कौन सी संख्या? 1, इसको गुना करना है 2 से, गुना करना है 3 से, गुना करना है 4 से, गुना करना है 5 से, गुना करना है 6 से, गुना करना है 7 से, गुना करना है 8 से, गुना करना है 9 से, गुना करेंगे 0 से। जल्दी बताएंगे सर बच्चे क्या मिलने वाला हमें? 4 वर्ष बताएंगे 0 मिलने वाला है। क्यों 0 मिलने वाला है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि कितना भी बड़ा संख्या हो जाए, कितना भी बड़ा संख्या हो जाए, अगर उसको हमको 0 से गुना करना रहता है तो वो हमेशा 0 ही आता है। तो क्या आने वाला है हमें? 0 मिलने वाला है, 0 प्राप्त होने वाला है। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को ये प्रश्न आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है तो जल्दी 4 बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। आगे ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और 4 बॉक्स में एच टाइप कीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और 4 बॉक्स में एच टाइप कीजिए ताकि आपको याद रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग एक क्विज देख लेते हैं। क्विज बहुत ही आसान आसान सा है, आपको खाली स्थान को भरना है, जैसे ए बी सी डी का मान भरना है। एक एक करके हम लोग सीखते चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है 2 गुने क्या मिलने वाला है हमें? बॉक्स दिया गया, क्या दिया गया? 2 गुने 2 क्या मिलने वाला है हमें? चलिए बताइए खाली स्थान, बताइए क्या मिलने वाला है हमें? 2 गुने 2 क्या मिलने वाला है हमें? चलिए बताइए सब बच्चे 4 बॉक्स में 4 मिलने वाला है, यानी एक मान क्या गया? एक मान आ गया 4। चलिए यहाँ पे गया 4, ठीक है। अब देखिए, अब 4 को किससे गुना करना है? 4 से। बताइए 4 चौका क्या मिलने वाला है हमें? बी का मान क्या मिलने वाला है? जल्दी बताएंगे सर बच्चे, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, सभी बच्चों को बताना है। 16, यानी बी का मान कितना आ गया? बी का मान आ गया 16। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक उसी प्रकार सभी बच्चों को बनाना है। देखिए ये हो गया खाली स्थान, इसको गुना करना है 5 से, तो हमें क्या मिला है? हमें मिला है 5। तो बताइए खाली स्थान सी का मान क्या होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे 35। देखिए 35 में अगर हम 5 से गुना करते हैं तो क्या हमें 5 मिलेगा? नहीं मिलेगा, यानी ये तो 35 होगा नहीं। क्या रखेंगे बताइए, जल्दी बताएंगे। यहाँ पे खाली स्थान का जगह क्या होगा? 35 से 5 से गुना कीजिए, बहुत बड़ा हो जाएगा। 5 25, 5 15 2 17, 175 हो जाएगा। 35 सही है? नहीं, 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी 1 में अगर हम 5 से गुना करते हैं तो 5 मिल जाएगा। अभी भी मैंने आपको समझाया था कि 1 के साथ जिस संख्या से गुना करते हैं वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए ये 5 है तो हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें 5 ही प्राप्त हुआ है, यानी हमको वही संख्या मिल रहा है। इसका मतलब हम किससे गुना करेंगे? हम गुना करेंगे 1 से। चलिए यानी हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया 5। हम 5 को किससे गुना करना है? 5 को गुना करना है 8 से। बताइए कितना मिलेगा खाली स्थान, कितना मिलेगा? चलिए सर बच्चे 40। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डी का मान हो गया 40, मतलब सी का मान हो गया 1, डी का मान हो गया 40, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। देखिए ये हो गया खाली स्थान गुने 3 बराबर हो गया खाली स्थान फिर गुने
बराबर हो गया 9। पहले हम इसको उल्टा भरते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, इसको उल्टा भरते हैं, यहां से यहां तक हटा देते हैं, इसको सीख लेते हैं, ठीक है। चलिए बताइए, खाली स्थान गुने 3 बराबर दिया गया है 9। यहाँ पे हम लोग कौन सी ऐसा संख्या भरे जिसको 3 से गुना करने पे हमें 9 प्राप्त हो। यहाँ पे हम लोग कौन सी ऐसी संख्या भरे जिसको 3 से गुना करने पे हमें 9 प्राप्त हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए 3 गुने क्या होता है, 9 होता है। यानी यहाँ पे कौन सी संख्या भरेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग संख्या भरेंगे 3। और ये 3 किसका मान हो गया, ये 3 हो गया आपका एफ का मान, यहाँ हो गया 3 एफ का मान। चलिए अब इसमें किससे गुना करना था, इसमें गुना करना था 3 से। चलिए अब इसको भरते हैं। बताइए यहाँ पे कौन सी सी संख्या रखे, यहाँ पे कौन सी सी संख्या रखे जिसको 3 से गुना करने पे हमें 3 प्राप्त हो। अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि जिस संख्या एक से जिस संख्या से गुना करते हैं हमें वही संख्या प्राप्त होती है। यानी अगर हम लोग यहाँ पे एक से गुना करेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। यानी एक ई का मान क्या गया, एक मान हो गया 1। एक मान कितना गया, ई का मान हो गया आपके पास 1। तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चार बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सर बच्चे। चलिए पहले आप क्या कीजिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप घर पे बना सकेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके डबल वाई टाइप कीजिए, ठीक है। फिर आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर डबल वाई टाइप कीजिए ताकि आप इसको घर पे आसानी से बना सकेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगला क्विज पे। क्विज उसी प्रकार से बहुत ही सरल सरल प्रश्न है, ध्यान देंगे सर बच्चे, ध्यान देंगे। चलिए ध्यान देंगे सर बच्चे। यहाँ पे पहला क्या है, 1 × 2 क्या है, पहला 1 × 2 हमें खाली स्थान क्या है, ए बताइए कितना आएगा। 1 × 2 क्या मिलने वाला है हमें, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। एक में 2 से गुना करेंगे तो एक में जिस संख्या से गुना करते हैं हमें वही संख्या प्राप्त होता है, बताइए क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो एक मान क्या गया, एक मान गया 2। चलिए अब 2 में किससे गुना करना है, 2 में गुना करना है 4 से, एक मान मिल गया 2। बताइए 2 में जब 4 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 में जब 4 से गुना करेंगे, 2 में जब 4 से गुना करेंगे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। यानी बी का माना गया 8, यहाँ बी का माना गया 8 है ना। ठीक उसी प्रकार से ये खाली स्थान है, ये गया खाली स्थान सी, इसमें गुना करना है 5 से तो हमें क्या मिल गया है 25। तो बताइए खाली स्थान में कौन सी संख्या रखनी पड़ेगी कि हमें 25 प्राप्त हो जाए, 5 रखनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या रखनी पड़ेगी, 5 रखनी पड़ेगी। तो 50 25, यानी बी का मान सी का मान हो जाएगा 5 है ना। चलिए अब 25 × क्या लिखा है, 1 लिखा है, बताइए 25 × 1 क्या मिलने वाला है। तो अभी अभी मैंने बताया 25 में अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 25 में जब हम 1 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होने वाला है, 25 प्राप्त होने वाला है, 25 प्राप्त होने वाला है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या प्राप्त होने वाला है, 25 प्राप्त होने वाला है। यहाँ क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी डी का मान कितना आ जाएगा, डी का मान आ गया 25। और सी का मान कितना है, सी के मान है 5, बी का मान कितना है 8। अगर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल पे, क्योंकि अगला सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या है, योग्यत E × 3 बराबर दिया है 12, ठीक है। चल बताइए कि यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या रखें जिसको 3 से गुना करेंगे तो हमें 12 प्राप्त होगा। बताइए सर बच्चे यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या रखेंगे जिसको 3 से गुना करेंगे तो हमें 12 प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कौन सी संख्या रहेगा, वो संख्या होगी 4। वो कौन सी संख्या होगी, वो संख्या होगी 4, ठीक है। चलो 4 हो गया, अब आते हैं आगे 12 में अब किसे गुना करना है, 0 से। चलो बताइए क्या मिलने वाला है हम लोगों को 12 में, जब हम 0 से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी एफ का मान हो गया 0, हो गया 4। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए सर बच्चे। आगे समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब सीख लेते हैं हम लोग 6 से लेके 10 तक का टेबल, क्या सीख लेते हैं हम लोग 6 से लेके 10 तक का टेबल। चलिए बहुत ही आसान है, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये टेबल आसानी से याद
हो जाएगा। टेबल क्या है? बहुत ही सरल टेबल है, जिस प्रकार से हमने पिछला पहाड़ा पढ़ा था उसी प्रकार से इस पहाड़े को भी हमने याद करना है, ठीक है। देखिए, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, सिक्स थ्री जा एटीन, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, सिक्स फाइव जा थर्टी, सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स, सिक्स सेवन जा फोर्टी टू, सिक्स एट जा 48। देखिए इसको हिंदी में ही पढ़ के सुनाते हैं, ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। नौ छक चौवन, दस दहाके सात, ठीक है। ठीक उसी प्रकार सात एकम सात, सात दूनी चौदह। जल्दी बताएंगे सर बच्चे सात त्रिका कितना होता है, चार बॉक्स बताएंगे सर बच्चे सात त्रिका कितना होता है, चार बॉक्स बताएंगे सर बच्चे 21। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सात चौका 28, सात पच्चे 35, सात छक 42, सात सत्तर 49, सात आठ छप्पन, सात नवा 63, सात दहिया 70। हमको पता है कि सभी बच्चों को सिक्स से लेकर टेन तक का टेबल याद होगा। चलिए एक बार सारे बच्चे बताएंगे कि अगर आपको सिक्स से लेकर टेन तक का टेबल याद है तो चैट बॉक्स में एस टाइप कीजिए। अगर आपको सिक्स से लेकर टेन तक का टेबल याद है तो चैट बॉक्स में एस टाइप कीजिए। याद है? चलिए, हमको पता था कि आपको याद होगा, तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अपने नोटबुक में बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए एक सवाल मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ। देखिए, नाइन गुने फाइव क्या दिया? 45 दिया गया। नाइन गुने फाइव 45 होता है। नाइन गुने फाइव कहने का मतलब क्या हुआ? नाइन गुने फाइव कहने का मतलब क्या हुआ? नाइन गुने फाइव कहने का मतलब हुआ कि नाइन को जब हम लोग पांच बार जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? 45 मिलने वाला है। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना है कि जिस संख्या को हम लोग बार बार जोड़ते हैं उसी को हम लोग गुणन की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आपको यहां तक क्लियर हो गया है तो एक बार चैट बॉक्स में एस टाइप कर दीजिए। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में एस टाइप कर दीजिए। सर बच्चे सभी बच्चों को करना है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन होगा, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन होगा और इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया होगा, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। किसी बच्चे को चैट बॉक्स उत्तर नहीं करना है, कहां देना आपको उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करना है। आपको एक मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। लास्ट 50 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया है। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, जितने बच्चे ज्वाइन हैं सारे बच्चों को उत्तर आना चाहिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चले, जो बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पा रहे हैं उन बच्चों के लिए मैं 10 सेकेंड के बाद मैं चैट बॉक्स ऑन कर दूंगा, वहां पे उत्तर कर लीजिएगा, ठीक है। जितने के जितने बच्चे ज्वाइन हुए हैं कोशिश किया कीजिए कि आप सभी कॉपी किताब लेकर बैठा कीजिए। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी पोल सेक्शन में जाकर दे सकेंगे। 5 4 3, जल्दी जल्दी आपको इसका उत्तर कहां देना है? पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है। 2 1। चलिए प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न बहुत ही सरल है। प्रश्न क्या बोला है? प्रश्न बोला है सही विकल्प का चयन करें। क्या प्रश्न है? 8 गुने 6 कितने के बराबर होगा? तो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि 8 गुने 6 कहने का मतलब क्या हुआ कि 8 को हमें 6 बार जोड़ना है, 8 को 6 बार जोड़ना है, ठीक है। तो 3 बार हो गया, फिर आपको 3 बार हो गया, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 48। यानी कौन सा तो सही है? ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में एस टाइप करेंगे। जल्दी जल्दी सर बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में एस टाइप करेंगे।
सभी बच्चों को करना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए यानी कौन सा तो सही है, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। चलिए तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी बच्चा का कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी बच्चा को डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहीं रुकेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर डाउट नहीं है तो वाई टाइप करके आप लोग जा सकते हैं। आपको अगली कक्षा में